अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। जी हाँ, आज मैं आप भाइयों के लिए एक न्यू अपडेट लेके आया हूँ। तो आज के बाद जो है मैं आप भाइयों को उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करके दिखाया करूंगा। बहुत सारे मेरे भाई नीचे कमेंट्स करके बोलते हैं कि ये झूठ है, ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसा है। इसलिए मैंने सोचा आज के बाद जो है उर्दू में ट्रांसलेशन करके आप दोस्तों को वीडियो में दिखा दिया करूँ। आप लोग खुद भी पढ़ लिया करें और आपको पता भी चल जाया करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको लाजमी जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो सऊदीजेशन है उसके ऊपर जो काम शुरू हो चुका है, अभी जो है उसके ऊपर छापे मार रही है सऊदी हुकूमत। यहाँ पर इबा एसिर म्यूनसिपाल्टी ने तफ्तीशी मुहिम के दौरान 913 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। वहाँ शहर में वाकई तजारती मरकज़ पर छापे मारे गए। इसका अमर का इत्मीनान हासिल किया गया कि आया ये मराकज़ सियात व जब्त की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। नए छापे महफूज खुराक के ज़ेर अनून मुहिम के तहत मारे जा रहे हैं। इसके तहत 143 तजारती मरकज़ सरबायर कर दिए गए हैं और 3272 किलोग्राम जैद माद के खाने पीने की अशिया तल्फ कर दी गई। तो सबसे अहम न्यूज़ जो ये है, वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने वाजे किया कि अगर किसी गैर मुल्की के खरूज व उदा वीज़े की तारीख ख़त्म हो गई हो तो इसके 2 माह बाद इसका नाम खुदकार निज़ाम के तहत सिस्टम से खारिज हो जाएगा। वजारत मेहनत ने तवज्जो दिलाई, अगर कोई गैर मुल्की खरूज व उदा लेकर सऊदी अरब से बहर गया और इसके वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई हो, इस पर 2 माह गुजर गए हों और वो ममालकत वापस ना आया हो, तो ऐसी सूरत में इसका नाम खारिज करने के लिए जवाजात से रजू करने की ज़रूरत नहीं, इसका नाम खुदकार निज़ाम के तहत सिस्टम से खारिज हो जाएगा। तो जी हाँ मेरे भाइयों, आपका जो नाम है खुद ब खुद सिस्टम से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर जो है मेरे भाइयों, आप लोग खुद भी जो है इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने उर्दू में लिखा हुआ है, इसको को मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, इसकी ट्रांसलेशन जो है मेरे भाइयों मैंने गूगल से करके आपको दिखा दिए। यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आपने नीचे कमेंट्स करना है और इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। तो जी हाँ मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।